स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 12 अर्थशास्त्र का लेसन सेकंड राष्ट्रीय आय का लेखांकन इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने इस चैप्टर में जो अंतिम वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, निवेश क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है और एक सरल अर्थ में आय का जो वर्तुल प्रवाह है, चक्री प्रवाह है, वो किस तरीके से होता है उसको हमने देखा था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। तो देखिए, राष्ट्रीय आय मापने की जो विधियां हैं, तीन विधियां हमको डिस्कस करनी है। पहली विधि हमारी है उत्पादन विधि, दूसरी विधि हमारी है व्यय विधि और तीसरी विधि जो हमको पढ़नी है वो है हमारी आय विधि। ठीक है, जैसा कि हमने आय के वर्तुल प्रवाह में, चक्रीय प्रवाह में हमने पढ़ा था कि वर्तुल प्रवाह में तीन स्टेज होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन फेस होते हैं। कौन कौन से? उत्पादन की अवस्था का होता है फर्स्ट हमारा, दूसरा होता है व्यय और तीसरा होता है आय। इस आधार पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय मापने की तीन विधियां हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। इन तीनों के आधार पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो राष्ट्रीय आय का जो मूल्य है वो क्या होगा? बराबर होगा। राष्ट्रीय आय की गणना चाहे उत्पादन विधि के आधार पर की जाए, चाहे व्यय विधि के आधार पर की जाए। ठीक है, उत्पादन विधि के आधार पर अगर हम गणना करें, चाहे हम व्यय विधि के आधार पर गणना करें, चाहे हम आय विधि के आधार पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना करें, तो तीनों विधियों के आधार पर जो परिणाम प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? समान। मतलब उत्पादन का जो मूल्य होता है वो व्यय के बराबर और व्यय का जो मूल्य होगा वो आय के बराबर होता है, किसी एक वर्ष की अवधि की अगर हम बात करते हैं तो। इस क्लास में हम राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आय विधि और व्यय विधि इन दोनों को देखेंगे। अब देखिए, जो उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड कह सकते हैं, या इसको हम मूल्य वर्धित विधि कह सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, उत्पादन विधि का मतलब क्या हो गया? एक वर्ष की अवधि में, ठीक है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके आधार पर की जाएगी? एक वर्ष की अवधि में होने वाले उत्पादन के मूल्य के आधार पर। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा देखा था कि राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उस समय हम क्या करते हैं? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार की, देखो, वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अंतिम वस्तुएं और दूसरी होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। जब राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है तो इससे हमारे जो परिणाम आएंगे वो क्या होंगे? गलत। मतलब इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय आय जो होती है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो गलत है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसमें हम क्या करते हैं? केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही सम्मिलित करते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में हम इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि के आधार पर की जाती है तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मूल्यों को अगर हम जोड़ लें तो हमारे पास में क्या जाती हैं? राष्ट्रीय आय जाती हैं। और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी गणना की जाती है। और जीडीपी का मतलब क्या हो गया? एक देश की घरेलू सीमा में, ठीक है, घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान होता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? घरेलू आय की गणना करते हैं। ठीक है, घरेलू आय, जीडीपी जिसको हम कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? एक देश की घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन किया जाता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का, उसके योगदान को हम एक तरह से क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब देखिए, जीडीपी की गणना करने के लिए क्या करते हैं हम? अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट देते हैं। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र,
ठीक है, जिसमें हम कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। दूसरा हमारा होता है द्वितीय क्षेत्र होता है, जिसमें हम निर्माण और विनिर्माण कार्य या जो उद्योग धंधे होते हैं उसको हम सम्मिलित करते हैं। और तीसरा हमारा होता है तृतीय क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तो अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्या किया जाता है, तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में, एक वर्ष की अवधि में जितना भी उत्पादन होता है उस उत्पादन के मूल्य को अगर हम जोड़ लें, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य प्लस तृतीय क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य, तीनों क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन के मूल्यों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। क्लियर हो गया? जीडीपी एक तरह से क्या होता है, एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो भी उत्पादन होता है वो एक तरह से क्या होता है, जीडीपी होता है। और जीडीपी की गणना करने के लिए क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था को तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। तीनों भागों में जो उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में, इन तीनों उत्पादन के मूल्य को जोड़ के क्या किया जाता है, जीडीपी की गणना की जाती है। अब देखिए, जब जीडीपी की गणना की जाती है तो उसमें समस्या आती है दोहरी गणना की, और उससे बचने के लिए एक तरह से क्या किया जाता है, मूल्यवर्धन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन कहते हैं, उसको यूज किया जाता है। अब वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन क्या होता है, जो उत्पादन का मूल्य है उसमें से हम क्या करते हैं, मध्यवर्ती व्यय को माइनस कर देते हैं। माना कि एक किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया गया है, उस उत्पादन का मूल्य कितना है, 1,000 के बराबर, और उस किसान ने आगतों के रूप में किसका प्रयोग किया था, 200 रुपए के मूल्य के बराबर उसने खाद बीज आगत का प्रयोग किया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो किसान का जो उत्पादन में योगदान है, मूल्य संवर्धन हम जिसको कहते हैं, वो कितना है, 800। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, उत्पादन का जो मूल्य है उसमें से जो भी मध्यवर्ती व्यय होता है, कच्चे माल के ऊपर जो भी खर्चा किया गया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मूल्यवर्धन आ जाएगा। और तीनों क्षेत्रों के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो भी मूल्यवर्धन होता है उन सभी को जोड़ के हम क्या करेंगे, जीडीपी की गणना कर लेते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो सारा उत्पादन अगर बिक जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी बिक्री, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी बिक्री है, माना कि गेहूं का जो उत्पादन किया गया है वो उसकी जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई है, 5,000 रुपये मूल्य के बराबर, ठीक है, और सारा गेहूं बिक गया, कोई भी माल बचा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, इस 5,000 रुपये के बराबर, मतलब जितनी बिक्री है उतना ही क्या होगा, उत्पादन का मूल्य होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सारा माल अगर नहीं बिक पाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, बिक्री प्लस माल सूची में परिवर्तन, ठीक है। अगर हम कहें कि 3,000 रुपये के जो गेहूं हैं वो बिक गए, लेकिन 2,000 रुपये मूल्य के जो गेहूं हैं वो अभी भी एक तरह से क्या है, माल सूची है, उनकी स्टॉक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें उत्पादन का मूल्य कितना होगा, बिक्री प्लस माल सूची में जो परिवर्तन हुआ है इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। और माल सूची में जो परिवर्तन होता है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष की अवधि में फर्म का उत्पादन कितना है माइनस एक वर्ष की अवधि में फर्म की बिक्री कितनी है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक वर्ष की अवधि में फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया गया है वो कितना है, 3,000 रुपये मूल्य के बराबर है, ठीक है, और उस अवधि में फर्म के द्वारा जो बिक्री की गई है वो कितनी है, 1,200 रुपये के बराबर है। तो ये जो 1,800 रुपये बचा हुआ इन दोनों का डिफरेंस, ये एक तरह से क्या है, माल सूची में परिवर्तन होता है, ठीक है। माल सूची में जो परिवर्तन होता है इस अवधारणा को हम और आगे समझेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, उत्पादन विधि के आधार पर जब राशि की गणना की जाती है तो उस समय हम दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, मूल्यवर्धन,
वैल्यू एडिशन हम निकाल लेते हैं, और वैल्यू एडिशन हम कैसे निकालेंगे, उत्पादन के मूल्य में से जो मध्यवर्ती व्यय हैं, जो कच्चे माल के ऊपर जितनी भी राशि खर्चा हुई है उसको हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास में क्या आ जाएगा, मूल्यवर्धन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तीनों क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में मूल्यवर्धन ज्ञात करके उन सभी को जोड़ के हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। अब देखिए मूल्यवर्धन क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हमने फर्स्ट कॉलम में क्या लिया, उत्पादन की इकाई है। माना कि एक किसान क्या करता है, अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है जिसका मूल्य कितना है, 600 रुपए के बराबर। उस किसान ने खाद बीज के रूप में कच्चे माल का जो प्रयोग किया गया है वो माना कि कितना है, 200 रुपए के बराबर, जिसको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती व्यय, ठीक है। हमने ये एक काल्पनिक उदाहरण लिया है, काल्पनिक संख्याएं ली हैं। तो किसान के द्वारा जो उत्पादन का मूल्य है वो कितना है, माना कि 600, आप 1000 मान सकते हो, 1500 मान सकते हो, 2000 मान सकते हो, और मध्यवर्ती व्यय भी हम उसमें से कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमने कितना मान लिया, माना कि 200 के बराबर है, 500 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 200। तो ऐसी स्थिति में जो मूल्य वर्धन हुआ है यहाँ पे, वैल्यू एडिशन, वो कितना है, कैसे निकालते हम, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती व्यय को माइनस कर देते हैं। तो 600 में से अगर हम 200 को माइनस कर दें, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 400। तो किसान का उत्पादन में जो शुद्ध योगदान है वो कितना है, 400 रुपये के बराबर है। अब ये किसान ने क्या किया, ये जो गेहूं का उत्पादन किया था जिसका मूल्य कितना है, 600 रुपये, तो 600 रुपये में जो गेहूं है वो उसने किसको बेच दिए थे, आटा मिल वाले को, ठीक है। आटा मिल वाले को कितने में बेचे उसने, 600 रुपये में। फिर आटा मिल वाले ने क्या किया, उसका आटा बनाया, मैदा बनाया, ठीक है, और उसका मूल्य कितना हो गया, माना कि उसने 800 रुपये कर दिया, ठीक है। 600 में उसने कच्चा माल खरीदा था, आटा पीसा, और अब उसका मूल्य कितना हो गया, माना कि 800 रुपये हो गया, 900 हो गया, 1000 अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहां पे कितना मान लिया, 800 मान लिया। तो यहां पर आटा मिल का जो उत्पादन में योगदान है वो कितना है, तो आटे का जो मूल्य है वो कितना है, 800 रुपए। उसमें से कच्चे माल के रूप में उसने जो गेहूं खरीदे थे किसान से 600 रुपए में, तो 800 में से 600 माइनस कर देंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो आटा मिल का जो शुद्ध योगदान है जीडीपी में वो कितना है, 200 रुपए के बराबर है। इस आटा मिल वाले ने जो मैदा बनाया है, ठीक है, 800 रुपए में इसने क्या किया था, बेकरी वाले को बेच दिया। फिर बेकरी वाले ने उसके ब्रेड बनाए, ठीक है, और ब्रेड का मूल्य अब कितना हो गया, माना कि 1000 के बराबर हो गया, ठीक है। 1100 ले सकते हैं आप, 1200 ले सकते हैं, अंदाज से आप कुछ भी ले लीजिए, 800 से ज़्यादा लेना है। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, 1000 उत्पादन का मूल्य है, और उसने जो मैदा खरीदा था वो कितने का था, 800 रुपये का। तो 1000 में से 800 को हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 200 आ गया। तो ये बेकरी वाले का जो योगदान है वो भी कितना है, 200 के बराबर है। फिर बेकरी वाले ने जो ब्रेड बनाए हैं वो दुकानदार को बेच दिए, कितने में, 1000 रुपए में। तो दुकानदार के लिए जो मध्यवर्ती व्यय है वो कितना है, 1000 रुपए, ठीक है, जो उसने बेकरी वाले से ब्रेड खरीदे हैं। फिर दुकानदार ने क्या किया, उन ब्रेड को उपभोक्ताओं को बेच दिया, कितने में, 1200 में। तो यहाँ पे दुकानदार का जो शुद्ध योगदान है वो कितना है, 1200 में से हमने 1000 को माइनस कर दिया, ये भी कितना है, 200 है, ठीक है। तो सभी 200 होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप दुकानदार यहाँ पे 1500 में बेचना है तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 बराबर यहाँ पे जो उसका योगदान है दुकानदार का वो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूल्य वर्धन की गणना कर सकते हैं। तो जो उत्पादन का मूल्य है अगर हम इन सभी को जोड़ लें, 3600 रुपये, तो ये राष्ट्रीय में गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि इस उत्पादन के मूल्य में एक तरह से क्या है, मध्यवर्ती व्यय भी शामिल है, जिससे राष्ट्रीय क्या होगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इस उत्पादन के कुल मूल्य में से कुल जो मध्यवर्ती व्यय है कितना है, 2600 है। इसको अगर हम माइनस कर दें, 3600 में से 2600 को माइनस कर दें, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो राष्ट्रीय या सकल घरेलू उत्पाद की जो हम बात करते हैं उसमें हम क्या करेंगे, इस 1000 को ही शामिल करेंगे। यहाँ ये जो मूल्य संवर्धन है, 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, इसका मूल्य किसके बराबर हुआ, 1000 के बराबर। तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया मूल्य संवर्धन।
तो यहाँ पे जो मूल्य संवर्धन है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडिशन, या इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, सकल मूल्य संवर्धन या वर्धन कह सकते हैं। तो फर्म का जो सकल मूल्य वर्धन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी फर्में होती हैं, तो जीवीए सकल मूल्य संवर्धन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो उत्पादन का मूल्य है उसमें से हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती व्यय को माइनस कर देंगे। जैसे अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में जीवीए कितना है, सकल मूल्य वर्धन कितना है, उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती व्यय को माइनस करके ज्ञात कर लिया जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में भी हम मूल्य संवर्धन की गणना कर लेंगे। अगर हमको ये, तो हमारे पास में क्या आ गया, सकल, लेकिन जब हमको शुद्ध मूल्य वर्धन की गणना करनी है, निवल, जिसको हम निवल भी कह सकते हैं, नेट, तो नेट वैल्यू एडिशन की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ग्रोस निकाला है सकल, उसमें से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास जो होता है, ठीक है, मूल्यह्रास की अवधारणा को हमने पहले समझ लिया था। तो सकल मूल्य वर्धन में से मूल्यह्रास को अगर हम घटा देंगे, जितनी भी फर्में हैं सभी फर्मों के हम मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, निवल मूल्य संवर्धन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीडीपी का मतलब क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी फर्में हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र में है, द्वितीय क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में है, सभी फर्मों का जो सकल मूल्य वर्धन है उसको अगर हम जोड़ लेंगे, ठीक है, जीवीए अगर हम इन सभी को जोड़ लेंगे, तो उसका मूल्य किसके बराबर आ जाएगा, जीडीपी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, माना कि अर्थव्यवस्था में कितनी फर्में हैं, बहुत सारी फर्में हैं, तो पहली फर्म का जो जीवीए है जोड़ लिया हमने, प्लस दूसरी फर्म का जोड़ लेंगे, प्लस तीसरी फर्म का जोड़ लेंगे, प्लस जितनी भी फर्में हैं सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन को जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, एन फर्म है। ठीक है, एन फर्मों का मतलब क्या हो गया, कितनी भी हो सकती हैं, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसका मूल्य किसके बराबर होगा, सकल मूल्य वर्धन जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और जब हमको नेट निकालना है, निवल अगर की गणना करनी है, तो निवल नेट वैल्यू एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सकल है उसमें से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ ये, जब हमने निवेश की अवधारणा पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि जब हमको नेट निकालना होता है, तो नेट के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रोस होता है, ग्रोस का मतलब टोटल सकल, उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास जो होता है उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जीडीपी किसके बराबर होगा, जीवीए के, और जो एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निवल घरेलू उत्पाद किसके बराबर होगा, निवल मूल्य वर्धन एन वी ए नेट वैल्यू एडिशन इक्वल क्या होगा, एन डी पी, और जी डी पी किसके इक्वल होगा, जी वी ए के। ठीक है, अगर इसमें से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन डी पी, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, एन वी ए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं। अब देखिए हमारा एक यहाँ पे शब्द आया था माल सूची। ठीक है, तो माल सूची में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, निवेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा माल सूची का मतलब क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक फर्म के पास में जो भी उत्पादन किया गया है उस उत्पादन में से कभी क्या होता है, सारा माल नहीं बिक पाता है। ठीक है, तो जो बिना बिकी हुई वस्तुएं हैं, ठीक है, वो हो सकती है उसमें शामिल, या अर्धनिर्मित वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में बन रही होती हैं, या कच्चे माल का जो स्टॉक रखा जाता है किसी फर्म के द्वारा एक वर्ष से अगले वर्ष तक, उसको हम क्या कहते हैं, माल सूची। ठीक है, माल सूची में क्या क्या सम्मिलित होता है, माल सूची में एक तो सम्मिलित होता है बिना बिकी हुई वस्तुएं, अबिकृत वस्तुएं, दूसरा हम कह सकते हैं अर्धनिर्मित वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में बन रही होती हैं,
और एक कच्चे माल के ऊपर जो खर्चा होता है, इन तीनों योग के हम क्या कहते हैं, माल सूची कहते हैं। तो माल सूची एक तरह से किसको दर्शाती है, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। उसका मूल्य क्या होता है, वर्ष के प्रारंभ में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, वर्ष के अंत में भी इसका मूल्य ज्यादा हो सकता है। जो माल सूची होती है उसमें वृद्धि भी हो सकती है, उसमें कमी भी हो सकती है, ठीक है। जिसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं, का एक वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन कितना है माइनस उस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री कितनी है, ठीक है। जितना उत्पादन किया है, माना कि 1,000 रुपये के बराबर उत्पादन किया गया है और माल बिक कितना गया, 800 रुपये का। तो ये जो 200 रुपये का माल बचा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से माल सूची में परिवर्तन हम कह सकते हैं, ठीक है। जितना माल बिक गया उत्पादन का मूल्य माइनस कितना माल, सॉरी उत्पादन का मूल्य कितना है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, वर्ष के दौरान जितनी भी माल बिक गया है, बिक्री हो चुकी, उसको हम माइनस कर देंगे, तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, माल सूची में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखिए, निवेश की तीन कोटियां होती है। माल सूची में परिवर्तन को हम क्या कर सकते हैं, निवेश के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। इसकी तीन कोटियां होती है, ठीक है। एक तो क्या होता है, फर्म का निवेश व्यय होता है, ठीक है। एक वर्ष की अवधि में माल सूची के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, निवेश व्यय कहते हैं। इसी तरीके से स्थिर व्यवसाय निवेश होता है, ठीक है। स्थिर परिसंपत्तियों के ऊपर, जैसे कि मशीनों की संख्या बढ़ जाए, फैक्ट्री के ऊपर जो खर्चा किया गया है, बिल्डिंग उपकरण मशीनें, इनके ऊपर जो खर्चा किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर व्यवसाय निवेश कहते हैं। और एक रहने के लिए जो मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, आवासीय निवेश, जैसे एक फर्म अपने कर्मचारियों के रहने के लिए उनको आवास सुविधा प्रदान करती हैं, क्वार्टर बनाए कहते हैं, तो ये जो आवासीय निवेश होता है, इन तीनों को एक तरह से हम क्या कहते हैं, निवेश सूची में सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, एक हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन में, इसी में हमको उत्पादन विधि में दे रखा है, माल सूची में अनियोजित संचय और अपसंचय क्या होता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो संचय शब्द है, इस संचय शब्द का मतलब क्या है, वृद्धि, और ये जो अपसंचय है इसका मतलब क्या है, ह्रास, ठीक है, मतलब कमी एक तरह से। अनियोजित का मतलब क्या हो गया, जिसके बारे में फर्म ने किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं की है, फर्म ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अनियोजित। जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी वो कौन सा है, अनियोजित। जिसके बारे में प्लानिंग की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, नियोजित कहेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं कि अनियोजित संचय क्या होता है, ठीक है। अनियोजित संचय का मतलब क्या हो गया, का माना कि एक फर्म है जो क्या करती है, मोबाइल बनाती है, उसके पास में जैसे 100 मोबाइल का स्टॉक है, ठीक है। एक फर्म क्या करती है, 100 मोबाइल बनाती है और उसके पास में वर्तमान में माल सूची कितनी है, 100 मोबाइल की माल सूची है। अब अगले वर्ष के लिए फर्म प्लानिंग करती है कि उसको क्या करना है, 1,000 मोबाइल की बिक्री करनी है, और साथ ही साथ उसको क्या करना है, अपने पास में 100 मोबाइल जो है वो माल सूचियां स्टॉक के रूप में रखना है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फर्म, देखो वर्तमान समय में उसके पास में कितने हैं, 100 मोबाइल हैं, और अगले वर्ष वो क्या चाहती है, फर्म 1,000 मोबाइल की बिक्री चाहती है और अपने पास में स्टॉक कितना रखना चाहती है, 100 मोबाइल का। तो इस स्थिति में फर्म क्या करेगी, 1,000 मोबाइल का उत्पादन करती है। अब किसी कारण से जो मोबाइल की बिक्री है वो 1,000 मोबाइल की नहीं हो पाती हैं, माना कि उस 1,000 में से क्या होता है, 600 मोबाइल जो हैं वो ही बिक पाते हैं, ठीक है। 1,000 का उत्पादन किया गया है, 100 मोबाइल उस कंपनी के पास में पहले से थे, उसने सोचा था कि अगले साल अपने को 1,000 मोबाइल बेचने, इसलिए वो क्या करती हैं, 1,000 मोबाइल का उत्पादन करती हैं, लेकिन किसी कारणवश बिक्री जो है वो 1,000 मोबाइल की नहीं हो पाती, कितनी हो पाती हैं, 600 मोबाइल की हो पाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 1,000 में से 600 बिक गए, और फर्म के पास में कितने बचे हुए हैं, 400 मोबाइल, तो ये प्लस 100 मोबाइल उसके पास में पहले से माल सूची में थे, मतलब उसके पास में कुल अब जो मोबाइल हैं वो कितने हो गए हैं, 500। जबकि फर्म ने क्या सोचा था प्रारंभ में, उसने सोचा था कि हमको क्या करना है, 100 मोबाइल की माल सूची अपने पास में रखनी है, लेकिन अब है कितनी है, 400 ज़्यादा हैं,
तो ये 400 मोबाइल जो नहीं बिके हैं उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, अनियोजित संचय कहेंगे। ठीक है, 400 मोबाइल जो फर्म के पास में एक्स्ट्रा हैं, 100 मोबाइल तो पहले वाले जो सोचे थे उसने कितना हमको स्टॉक रखना है, लेकिन 400 मोबाइल एक्स्ट्रा उसके पास में स्टॉक में पड़े हुए हैं जो फर्म ने नहीं सोचा था, जिसकी उनको आशा नहीं थी। तो ये 400 मोबाइल एक तरह से क्या कहलाएंगे, अनियोजित संचय कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमारा कौन सा है, अनियोजित अपसंचय। ठीक है, अपसंचय का मतलब क्या हो गया, कमी एक तरह से, कि फर्म जो है उसने क्या सोचा कि उसको 1000 मोबाइल जो है वो बेचने हैं, 100 मोबाइल फर्म के पास में स्टॉक में पड़े हुए हैं, पहले से माल सूची में है, प्लस फर्म ने सोचा कि 1000 मोबाइल जो है उसको बेचने हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, उसकी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फर्म ने कितना सोचा था बेचने के लिए, 1000 मोबाइल जो है अगले वर्ष बेचने हैं और 100 मोबाइल उसको अपने पास में स्टॉक में रखने हैं, लेकिन उसके मोबाइल की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। ठीक है, माना कि कितनी बढ़ गई, उसने सोचा कितना था 1000 का, लेकिन बिक्री अब बढ़ के कितनी हो गई, माना कि 1050, तो 1000 मोबाइल तो ये बेच दिए जाएंगे और 50 मोबाइल जो स्टॉक थे उसमें से बेच दिए गए हैं, मतलब कुल बिक्री कितनी हो गई अब 1050 की। अब फर्म के पास में जो माल सूची है वो कितनी होगी, केवल 50 की होगी, जबकि फर्म ने प्लानिंग कितनी की थी पहले से, 100 की प्लानिंग की थी कि अपने पास में 100 जो है माल सूची होनी चाहिए, स्टॉक में होना चाहिए, लेकिन उससे कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनियोजित अपसंचय। ठीक है, फर्म ने जितना स्टॉक के बारे में सोचा था उससे अगर स्टॉक ज्यादा बच जाता है फर्म के पास में, उसको हम कहते हैं अनियोजित संचय। फर्म ने जितना स्टॉक सोचा था कि हमारे पास में 100 मोबाइल होने चाहिए, लेकिन बिक्री की वजह से ज्यादा अगर माल बिक गया, उसकी वजह से स्टॉक जो है वो 100 से कम हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, अनियोजित अपसंचय कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है, नियोजित संचय। ठीक है, नियोजित संचय का मतलब क्या हो गया, फर्म जो प्लानिंग करती है उसी के हिसाब से एक तरह से क्या होता है, उसकी माल सूची में वृद्धि होती है। फर्म ने जितना सोचा था, माना कि किसी फर्म के पास में 100 मोबाइल स्टॉक में पड़े हुए हैं और फर्म चाहती है कि उसका जो स्टॉक के माल सूची वो कितनी होनी चाहिए, 200 मोबाइल होने चाहिए। ठीक है, स्टॉक अभी कितना है फर्म के पास में, 100 मोबाइल का, और फर्म क्या चाहती है अगली बार उसके पास में जो स्टॉक है वो कितना होना चाहिए, 200 को होना चाहिए। अब फर्म क्या सोचती है कि अगले वर्ष उसको क्या करने हैं, 1000 मोबाइल की बिक्री करनी है। ठीक है, कितने मोबाइल बेचने हैं, 1000। अब देखिए 100 तो उसके पास में है, 1000 मोबाइल उसको बेचने हैं और स्टॉक उसको कितना रखना है, 200, तो ऐसी स्थिति में उसको उत्पादन कितना करना पड़ेगा, 1000 तो ये प्लस 100 का और करना पड़ेगा, मतलब फर्म अब उत्पादन कितना करेगी, 1100 का, ताकि 1100 में से क्या हो, 1000 तो बिक जाए और 100 बच जाए, और 100 पहले के हैं, मतलब कुल उसके पास में कितने माल सूची होने चाहिए, 200 की। तो ये सोच के फर्म क्या करती है, 1100 मोबाइल का उत्पादन करती है और वास्तव में जो बिक्री है वो भी कितनी हो जाए, माना कि 1100 में से 1000 मोबाइल जो है वो बिक जाए। फर्म ने क्या सोचा था, 1000 मोबाइल बेचने हैं, सूची माल सूची कितनी रखनी है अपने पास में, 200 मोबाइल स्टॉक में रखने हैं, 100 मोबाइल उसके पास में पहले से हैं, 100 मोबाइल वो और बनाएगी एक्स्ट्रा, 1000 तो बेचने के लिए और 100 अपने पास में स्टॉक रखने के लिए, कुल उत्पादन उसने कितना किया, 1100 का, और फर्म ने सोचा था कि 1000 की बिक्री हो जाए और वास्तव में जो बिक्री है वो भी कितनी है, 1000 की हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास में स्टॉक कितना होगा, 200 का, मतलब फर्म ने जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी उसी के अनुसार ऐसा हो गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नियोजित संचय कहते हैं। इसी तरीके से नियोजित अपसंचय का मतलब क्या हो गया, देखो अपसंचय का मतलब क्या हो गया, माल सूची में नियोजित अपसंचय का मतलब, अपसंचय का मतलब मैंने आपको बताया था होता है कमी, ह्रास होता है। ठीक है, तो बिक्री अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि फर्म के पास में जैसे माल सूची है, अभी स्टॉक में कितने, 100 मोबाइल हैं। अब फर्म क्या करना चाहती है, उसको अपने पास में जो मोबाइल रखने हैं वो कितना रखना है स्टॉक में, केवल 25 मोबाइल रखने, कम रखने हैं। ठीक है, और फर्म क्या चाहते हैं, 1000 जो हैं उसको अगले साल बेचना है। तो देखो 1000 अगर बेचना है तो उसको उत्पादन हम कितना करना पड़ेगा, उस स्टॉक उसको रखना है 25, मतलब 75 मोबाइल तो वो इसमें से बेच देगी, प्लस 925 मोबाइल वो और बना लेगी,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 1,000 उसने जो प्लानिंग की थी कि उसके पास में स्टॉक कितना होना चाहिए, 25 मोबाइल रहना चाहिए, 100 पहले से थे उसमें से 75 बेच देगी और 925 जो है और बना लेगी। ठीक है, जो फर्म की इच्छा है उसी के अनुसार, फर्म ने जो योजना बनाई है उसी के अनुसार अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नियोजित अपसंचय कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जो सकल घरेलू उत्पाद हैं उसको मापने की दो विधियां और हैं, आय विधि और व्यय विधि, उसको हम डिस्कस करेंगे।